घर में एक पशुशाला में आज वहाँ जन्मे है दया सागर। राजाओं के राजा है दया सागर। ये स्वर्ग दूत ने कहा चरवाहों को जाके दर्शन से नैनों को शीतल करो। राज यहाँ जन्मे है, पूछा कहाँ है ज्योतिषियों ने, सोच कर बोले राजा उनसे। उस प्रभु को देख कर आओ यहाँ, देखूंगा राम मैं तुम्हारी यहाँ। स्वर्ग ज्योति ने उनसे कहा दूसरे रास्ते पर जाओ। उनका आदेश मान करके चल दिए वो लोग वहां से, चल दिए वो लोग वहां से, चल दिए वो लोग वहां से। नन्हे मुन्ने बच्चों के, दो साल से कम सभी बच्चों के प्राण लेने के लिए हेरोद ने आदेश दिए। प्राण लेने के लिए हेरोद ने आदेश दिए। लेकर यीशु को, नन्हे यीशु को, मिस्र देश को जाओ, मिस्र देश को जाओ। ईश्वर आज्ञा होने तक तुम वही निवास करो, वही निवास करो। स्वर्ग दूत की बातें सुनकर चल दिए वहां से, दोनों चल दिए वहां से। प्रधान याजक, मैं मंदिर की हुंडियों को बिल्कुल खाली कर चुका हूँ। आपके नाम पे दो बोरे भर चुका हूँ। सारा धन घर पहुँचा दी। ईश्वर की। क्या लगाता? क्या लगाता? क्या लगाता? मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या बात?
बताओ ना, तुम्हें क्या दुख है? सर्वज्ञ, ब्याह के 7 वर्ष है लेकिन संता नहीं है। अबला, मन भारी मत करो, ज्ञानदाता का मन मक्खन के समान है ना? अवश्य। ओ निस्संतान स्त्रियों को स्वयं ही पूजा करके पुत्र का वरदान दे चुके हैं, क्यों? अवश्य। बेचारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। अवश्य ज्ञानदाता, अनुग्रह कीजिए। सारा बंदोबस्त मैं करता हूँ। आवश्यक है। आवश्यक है। आवश्यक है। अवश्य अवश्य। सूर्य डूबने के बाद तुम्हें यहाँ आना होगा। तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दूंगा। अच्छा स्वामी। मेरे प्रिय मित्रों, मातृभूमि के वीरों, मातृभूमि मुझे प्यारी, क्रांति का नारा लगा, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना ही मेरा उद्देश्य है। जब तक रोम साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता, मेरा सोना हराम। जब तक हम सब लोग आजादी नहीं पा लेते, मेरा जीना हराम है। वो ईश्वर मसीह की तरह हमें मुसीबतों से बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, इसी विश्वास के बल बूते पर हम लोग भिखारी होकर मुर्दा बन चुके हैं। लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं, हमें मुसीबतों से कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए हमें मंजिल की ओर फूट पड़ना होगा। अपने स्वतंत्र राज्य की हम लोगों के बल से ही स्थापना होगी, क्योंकि मित्रों, अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर योद्धा किस्मत और मिखाइल है। इनसे बढ़कर बुद्धिमान युवक रोम साम्राज्य के बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि परखने वाला चौहरी, शक्ति युक्ति से भरपूर राजनीति का चतुर खिलाड़ी युद्ध अधिकारियों की हम लोगों के साथ है, तो हमारी हार कभी नहीं होगी, हमारे देश की मुक्ति अवश्य होगी। क्या बोलते हो युद्ध? निरंकुश रोम राज्य का पतन बहुत ही करीब है बराबर। तुम्हारा भी जवाब नहीं युद्ध। जैसे बलि के बिना ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, वैसे ही देशभक्तों को बलिदान किए बिना आजादी नहीं प्राप्त होती। ए, बिना कर चुकाए ही भीतर जा रहे हो क्या? अपने दादा का घर समझ रखा है? नहीं, इसको मैं गरीबों का खून पीने वाले शैतानों का घर समझता हूँ। ए मूर्ख, मेंढक होते हुए भी बातें बुद्धिमानों की करते हो। तुम भी उस विद्रोही बराबर के मित्र हो क्या? नहीं, जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ उसे माँ कहकर पूजने वाला बेटा हूँ। लेकिन उसी माँ का पति रोम का सम्राट है, जिनके हम लोग प्रजा हैं, जिनके दया के सहारे हमारा पालन पोषण होता है। तुम उस राजा का नाम मत भूलो। तुम यहूदी हो पर उस पापी रोम राजा की दया से पेट भरते हो, अपनी जाति का दुश्मन होकर राजा के वास्ते लोगों का खून पीते हो, इसे तुम भी मत भूलो। चुप रहो, पहले मुझे कर दो फिर जाओ। क्यों दे? हाँ, देख लूंगा। क्या ये धरती उसकी है या जल उसका है? ये मछली उसकी है या शरीर उसका है? जब कोड़े लगेंगे तो जान जाएगा किसका है। कोड़े ही क्यों, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरी आवाज बंद रहोगी, मेरा देश स्वतंत्र अवश्य होगा। कोड़े लगाओ, मार मार कर खाल उधर दो उसकी।
आपने वक्त पर आके बचा लिया। कौन है बाबू बोली? मैं हूँ मित्र योहन। योहन बाबू आप हैं? क्यों बाबू क्या है, क्या हुआ? स्वार्थी रोम सम्राट प्रजा पर जुर्म ढाते हैं, विद्रोही चक्की में प्रजा को पीसते हैं। यानी दोनों प्रजा को ही ना बाबू मौत के घाट उतारते हैं। कोई अधिकार के लिए प्रजा को रोनता? बहुत अच्छा बाबू, प्रजा को एक गुलामी की धधक की ज्वाला में झोंकता है तो दूसरा स्वतंत्रता के नाम से प्रजा को हाथौड़ों से पीटता है। ज्वाला को बुझाने वाले, जुल्म सितम को मिटाने वाले वो मसीह है मित्र। करुणा निधि प्रभु के आने तक ये ज्वाला बुझेगी नहीं, ये जुल्म बंद नहीं होगा। क्यों हंसते हो बताओ? इन व्यर्थ बातों को सुनकर। इसे व्यर्थ न कहो, सत्य जानो। योहन बाबू, इन जुल्मों को रोकने की कोशिश न करके आंखों से परे किसी करुणानिधि प्रभु पर भरोसा। तुम भूलते हो मनाती, ईश्वर की इच्छा से नहीं शैतान की इच्छा से जुल्म होते हैं। मानव को दुख झेलते हुए देखकर वो ईश्वर खुश होते हैं? नहीं, प्रभु है, वो आएंगे, विश्वास रखो। वो कब आएंगे बाबू? जब लोग मौत के मुंह में समा चुके होंगे, राज के अधिकारी जोंक की तरह लोगों का खून पी चुके होंगे। आएंगे नहीं बाबू, आएंगे नहीं, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। आँख के अंधे बंदे बने ऐ खामोश बंदे बतलाओ। आँख के अंधे बंदे बने ऐ खामोश बंदे बतलाओ, ऐ खामोश बंदे बतलाओ। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। मन मारे रोते बेदम, हरदम है जुल्म सितम, मन मारे रोते बेदम। सहते दुख रो रो के लोग जीते हैं मर मर के। आने वालों जाने वालों है नहीं कह डालो। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। कौन है बाबू? मैं हूँ याकूब, योहन का भाई। याकूब बाबू, ये सब कैसा शोरगुल है? कोई औरत शरीर का सौदा करते हुए पकड़ी गई, इस वास्ते अपने मूसा नबी के मुताबिक प्राण लेने पर उतारू है वो लोग। ओहो, ये अन्याय क्यों? मगर उस वेश्या के साथ पाप करने वाले मर्द का क्या हुआ? जो पाप करने के बाद पकड़े नहीं जाते उन्हें दंड कौन देगा? वो ईश्वर। वो ईश्वर जो पेट भरने के लिए पाप कर्म करे उन्हें दंड देगा अपना धर्म, परंतु मोटे मोटे पापियों को दंड देंगे वो ईश्वर? चलते चलते गुरु के पीछे खुद को धोखा देते हो, गगन धरा के पिंजरे में फंस कर आंसू पीते हो। भक्ति के भय से भाग जले मानो ना मानो कह डालो। भक्ति के भय से भाग जले मानो ना मानो कह डालो।
ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। आँख के अंधे बंदे बने ऐ खामोश बंदे बतलाओ। आँख के अंधे बंदे बने ऐ खामोश बंदे बतलाओ। ऐ खामोश बंदे बतलाओ। रोटी चाहिए? रोटी ये लो। वो गई। रोटी नहीं मिली। रोटी लो, तुम लो। वो गई। बड़ी भूख लगी है। रोटी चाहिए। ये रोटी मिस्टर दे दो बाबू। बड़ी भूख लगी। वो गई। चले ले। उसके पथ सीधे कर दो। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। स्वर्ग राज्य बहुत निकट आ पहुंचा है। मन को फिराओ, अपने किए हुए पापों के वास्ते पश्चाताप। तुम लोग बपतिस्मा लो, आगे आओ। पूज्यवर, हम लोग इब्राहिम की पवित्र संतान हैं, फिर बताइए किसने बपतिस्मा ले? हम लोग सांप के नीच बच्चों, इब्राहिम की संतान मानकर घमंड न करो। ईश्वर चट्टानों से तुम लोगों को रच सकता है। कोई भी अपने जन्म के अनुसार छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। फल रहित पेड़ों को काटकर आग में झोंकने के लिए पहले से ही कुल्हाड़ी उनकी जड़ों पर रखी हुई है। इसलिए ईश्वर के आगामी प्रकोप की अग्नि से बचो। तुम लोग बपतिस्मा लो, अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन को सफल बनाने के बाद बपतिस्मा ले ले तो ठीक है। नहीं, दो कुर्ते पास हो तो एक उन्हें दे दो जिनके पास नहीं। दो वक्त का भोजन पास हो तो एक वक्त का उन्हें दो जिनके पास नहीं। महल पास हो तो उन्हें सर छुपाने की जगह दो जिनके घर बार नहीं। पूज्यवर, हम लोग यहूदी धर्म के महायाजक कैफस और अन्नत के आज्ञाकारी सेवक है। आप कौन है इसका पता लगाकर उन्हें बताना है। यहूदियों को उभारने के लिए आने वाले मसीह आप ही हो क्या? नहीं, मुझसे शक्तिशाली है। मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे वो। लेकिन आप कौन है? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की मैं आवाज हूँ। उसके पथ सीधे कर दो और उसके मार्ग को तैयार। कब आएंगे वो? वो समय निकट आ चुका है, लेकिन
विश्वास नहीं होता तुम लोगों, यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। उस प्रभु की पगध्वनि को मैं स्वयं सुन रहा हूं। देखो, लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने वाले मसीह की तरफ से उनके पैरों की जूती भी उतारने योग्य मैं नहीं। मुझे भी बपतिस्मा दो। ईश्वर पुत्र, आपके हाथों में स्वयं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, किंतु आप मेरे हाथों बपतिस्मा चाहती हैं। ईश्वर निर्णय के अनुसार ये आवश्यक है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। नाम मेरा योहन है, ये है आंद्रिया। हम लोग मछली पकड़ने वाले मछुए हैं, हमको विश्वास है आप ही मसीह हैं। हमारे घर चलिए। मुझको चाहिए मनुष्यों का रचा घर नहीं, ईश्वर का रचा मन। वो मन हमारे पास है प्रभु, हम लोग भी आएंगे। अभी नहीं, ईश्वर योजना को मैं पूरा करूंगा, लक्ष्य सिद्ध करके मैं स्वयं आऊंगा। करने के बाद भूख और प्यास से पेट की अंतड़ियां सूख गई हैं। अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। भूख की पीड़ा किस लिए,
मनुष्य रोटी के पल पर ही जीवित नहीं तो ईश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द से जीवित है। अगर ये सच है, अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो इस पहाड़ की ऊंची चोटी से कूदकर सिद्ध कर दीजिए। आपके पिता के वचन के अनुसार स्वर्गदूत अगर आपको बचा ले तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। ईश्वर शक्ति की परीक्षा का दुस्साहस उचित नहीं। इन बातों से आप अपने आप को थका मत दीजिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। हाँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं, इसलिए ईश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों पर विश्वास न कर मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और उस पर विश्वास करो। सृष्टिकर्ता ईश्वर को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मुझे प्रणाम करना सीखो। संपूर्ण सृष्टि और राज का अधिकार, भोग विलास, ये सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। याद रख, अपने पिता परमेश्वर के सिवा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। अच्छी तरह सोचिए, बहुत अच्छी तरह सोचिए, बहुत अच्छी तरह सोचिए। शैतान, दूर हो जाओ, जा। मित्रों, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाले से मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। अवश्य गुरुवर, सचमुच पानी की मछली और कुएं के मेंढक हैं हम लोग, हम योग्य नहीं हैं आपके। सिमो, तुम पत्थर के समान हो, तुम्हारे सहारे मंडली बनाऊंगा, इसीलिए आज से तुम पितरुस के नाम से पुकारे जाओगे। प्रभु धन्य हुआ। अपने करुणा समुद्र में मुझे एक मछली समझकर पालो, अपने शिष्यों की तरह मुझे स्वीकार करो, अपने राज में मुझे जगह दो। प्रभु मत्ती, मेरी राज्य में जगह चाहते हो तो अपना सब कुछ छोड़कर तुमको मेरे पीछे आना होगा। छोड़ रहा हूँ प्रभु, छोड़ रहा हूँ। इसी वक्त मैं ये धन, ये दौलत, ये नौकरी, सब कुछ छोड़ रहा हूँ प्रभु। इतना ही नहीं, दौलत के साथ साथ घमंड को भी छोड़ रहा हूं प्रभु, दौलत के साथ साथ घमंड को भी छोड़ रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, यहूदी लोग क्या उस नीच के घर भोजन करेंगे? कैफस, इस ओछे काम की बातों से जनता को बहकाएंगे। ये नीच काम कहकर जनता को उनके खिलाफ भड़काने का काम आज से शुरू करना चाहिए। यहू, आज्ञा। रूबेन जी, फौरन जाओ, येसु को बदनाम कर उनके इस नीच कार्य का फंडा फोड़ दो, उनकी मर्यादा मिट्टी में मिला दो। सिर्फ मर्यादा मिटाएंगे ही नहीं, उनको हम अपने समाज से बाहर निकलवाएंगे। मैं जो कहता हूँ उसे मेरी बात न समझो, ये मेरे पिता की वाणी है, उसने ही मुझे यहाँ इस कार्य के लिए भेजा है। खुद को बड़ा कहने वाले छोटे हैं, लेकिन सदा अपने आप को छोटा मान के जीवन बिताने वाले भी बड़े हैं, ये ईश्वर वाणी है। ये गूंगा है, इसको बोलना भी नहीं आता। कितने वैद और मंत्र तंत्र जानने वालों को दिखाया पर कुछ न हुआ। आप पर विश्वास है इसलिए यहाँ लाए हैं इसको, कृपया कर इस गूंगे को फिर से वाणी दीजिए। हाँ,
मित्रवत, तुम्हें ये विश्वास है कि मैं तुम्हें वाणी दे सकता हूँ? इस विश्वास के भरोसे मुंह खोलो, बोलो। सच, सच, आप करुणानिधि हैं, आप सचमुच ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र। आप ईश्वर के पुत्र हैं तो विश्राम के दिन धर्मशास्त्र का नियम क्यों तोड़ते हैं? इस गोंगे को जानबूझकर आपने वाणी क्यों दी? मसीह कैसे हैं, कैसे माने? मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा पशु विश्राम के दिन कुएं में गिर पड़े, तो आज विश्राम का दिन है ये सोचकर कुएं से उसे तुम निकालोगे नहीं क्या? इसी तरह मैंने गूंगे को आज पानी प्रदान किया। पशु से मनुष्य का स्थान बहुत ऊंचा है, फिर विश्राम के दिन ये भलाई का काम धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं? यहूदियों में पैदा होके यहूदियों से जबरदस्ती कर वसूल करने वाले के घर भोजन करना क्या मूसा धर्म संहिता के विरुद्ध नहीं? रोगी को ही वैद्य की जरूरत पड़ती है, स्वस्थ मनुष्य को नहीं। उसी से मैं भी यहाँ धर्मियों का नहीं पापियों का उद्धार करने आया हूँ। तुम्हारे कहने के अनुसार योहन बपतिस्ता खत्म हो गया? यहूदस कभी झूठ नहीं बोलता। यानी ये खूबसूरत मौका है योहन के प्रति सबकी करुणा, आदर और अभिमान हमारी योजना में बड़े उपयोगी होंगे। पिलातुस और हेरोद को खून के समुद्र में डुबो देंगे। इसलिए हम फौरन चलेंगे। ठहरो, क्यों? योहन की मौत का समाचार सुन प्रजा हमारी ओर नहीं बल्कि यीशु की तरफ गई। यीशु यानी नाजरेत निवासी यूसुफ का पुत्र? हाँ वही। यूदा, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? ईश्वर का राज फैलाने के लिए इधर उधर घूमने वाले यीशु की ओर सब लोग अपने आप गए हैं। सच बराबर यही उनकी खूबी है। हम तो तलवार से लोगों को धमकाते हैं, लेकिन वो वाणी से खींचते हैं सबको। हमको खून की नदी बहाकर राज्य की स्थापना करने की उम्मीद है, लेकिन वो प्रेम का पवित्र पाठ पढ़ाते हैं सबको, क्योंकि हम लोगों के मन में भय पैदा करते हैं और वो भक्ति। इस वास्ते वो एक दिन ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे ऐसा लगता है मुझे। तुम क्या बोलते हो यूदास बढ़ई का? निश्चय ही यूसुफ बढ़ई का बेटा सारी जनता को अपने वश में किए हुए है। तुमने सुना या उन्हें देखा? सुनने और देखने के बाद ही ये निर्णय कर चुका हूँ कि उनका साथ होना उचित होगा। कैसे? तुम्हारे भुज बल और हमारे बुद्धि बल से, उनके शब्दों के बल के साथ लोगों का बल भी मिल जाए तो रोम साम्राज्य का पतन निश्चित है। क्या हमारी बात सुनेंगे वो? ही और आग का मेल नहीं होता क्या मित्र? आखिर उन्हें भी ईश राज्य की स्थापना करनी है। इतना ही नहीं, कितने प्रभावशाली हैं वो, उनके शिष्यों और भक्तों की भीड़ को चलकर आंखों से देखेंगे। चलो। अपने को समझने वाले धन्य है, ईश्वर का स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। विनम्र हृदय वाले धन्य है, क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। सदा धार्मिकता के भूखे धन्य है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। करुणा करने वाले धन्य है, क्योंकि उन्हें करुणा मिलेगी। निर्मल हृदय वाले धन्य, क्योंकि उनको ईश्वर का दर्शन होगा। सर्वदा मेल कराने वाले धन्य,
क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाए। धर्म स्थापना के वास्ते कष्ट उठाने वाले धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। पर वो मैं पाती हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मेरे पास ना आइए ना आइए, पर वो मैं कोड़ी हूँ, कोड़ी हूँ मैं। करना ने दी, इन आंखों को आपका दर्शन मिल गया, ये कोड़ी की बीमारी किसी को ना हो, मेरे पास ना आइए, मेरे पास ना आइए, पर वो प्रभु मुझे हाथ ना लगाइए, मुझे हाथ ना लगाइए, प्रभु मुझे हाथ ना लगाइए। प्रभु करना नहीं दी, करना नहीं दी। मैं तुम्हें इस भयानक रोग से मुक्त करता, तुम्हें पापों से मुक्त करता, फिर पाप न करना। नहीं करूंगा प्रभु, कभी नहीं करूंगा, करना नहीं थी, करना नहीं थी, करना नहीं थी, करना नहीं। गुरुवत आपकी जय। ये रोम सम्राट की आंखों में तीर की तरह छुपता हुआ महावीर बराबस है। हाँ, मैं तो इनका मित्र हूं, मुझे यूदस कहते हैं। हाँ, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु, आइए। पूज्यवर, अपने मित्र यूदस से आपकी विशेषताओं को सुन चुका हूं, इन आंखों से आज देख चुका हूं। इस रोम साम्राज्य को काटने के लिए तलवार इन क्रांतिकारी हाथों में है, क्रांतिकारी तलवार की महान जनशक्ति आपके हाथों में, एक कर दो इनको। तलवार उठाने वाले तलवार से मरते हैं, पर आप पर तुम्हारी इच्छा पूरी न कर सकूंगा। गुरुवर, एक बार फिर सोचें, आप दोनों मिल गए तो चक्की के पटलों के बीच गेहूं की तरह रोम साम्राज्य पिसकर बर्बाद होगा, फिर यहूदी राज्य का स्थापित होना संभव होगा। यूदस, तेरा राज्य और है, मेरा राज्य और है। आपकी और मेरी प्रजा और नहीं है पूज्यवर, निर्भय होकर रोम का सैनिक बोझ ढोने के वास्ते आज्ञा दे तो बिना कुछ बोले उसकी इच्छा अनुसार बोझ यहूदी को ढोना ही चाहिए, ये रोम का हुक्म है, ये बराबर से बर्दाश्त होगा पूज्यवर। दूर तक भार ढोने वाले सभी लोग मुक्त किए जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। भार ढोने वालों को गौरव देना गुलामी की जड़ को और भी मजबूत करना है गुरुवर। प्रेम के बदले प्रेम देना कोई बड़ी बात नहीं यूदस, भले लोगों के लिए ही नहीं जो बुरे हैं उन लोगों पर भी, भेदभाव के बिना करुणा की वर्षा ही प्रेम है। मेरी बात मानकर ईर्ष्या द्वेष शत्रुता रक्तपात मत करो। कैसे इस बात को मान लूं? पूज्यवर, आपसे आखिरी बार पूछता हूं, हम लोगों का साथ आप देंगे या नहीं? अवसर पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए जान भी दूंगा, तुम्हारा साथ कभी ना दूंगा बराबर। आप मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या मेरा काम नहीं चलेगा? चलो। गुरुवर, फिर आना यूदस। जरूरत पड़ी तो जान देंगे लेकिन हमारा साथ ना देंगे, बातों से परिवर्तन लाने वाले ऐसे पुरुष को अपनी योजना में शामिल करना भी पागलपन होगा। क्यों यूदस, जग बैक रुक गए? येसु की वाणी पीछे की ओर खींचती है बराबस। यूदस, सच बराबस,
येसु को सामान्य पुरुष मैं नहीं समझता हूं। उनकी अनोखी बुद्धि, अपूर्व आत्मबल और दूरदृष्टि को देखकर लगा कि मेरी इच्छा को पूरी करने वाले वही। क्या बोलते हो, मुझे छोड़कर येसु की आज्ञा करें चेले बनोगे? चेला बनो ये अंतरात्मा की पुकार है, क्षमा करो। जाओ योदस, जाओ। तुम जो चले गए तो मेरे शरीर का खून पानी ना होगा, विद्रोह की आग नहीं बुझेगी। लेकिन तुम मेरी बात को याद रखो, वो महापुरुष अगर मेरी योजना में रुकावट डालेंगे तो मुझसे कभी बर्दाश्त ना होगा। तुम जो कुआं खोद रहे हो उसी में डूब मरो। जाओ योदस, जाओ। क्या बात है यूदस? कटार से करुणा का मूल्य बहुत अधिक है, ये जान गया हूँ। इस वास्ते अपने शिष्यों में एक शिष्य मान लें तो बड़ी कृपा होगी। ये कैसे होगा प्रभु? ये तो साथी है बराबर का। भूल करने से हम लोगों के कार्यों में बाधा होगी। जरूर प्रभु, ये भूखा है अधिकार का। हमारे साथ रहने पर हम सबको मुसीबत होगी। प्रभु आपको कैसे बताऊं, इसका साथ रहना उचित नहीं, फिर भी आपकी इच्छा। प्रभु ये तो चतुर मनुष्य है, हम लोगों को धोखा देगा। प्रभु बोलिए ना प्रभु। मौन को क्या समझे प्रभु? शिष्य, जिस तरह सूरज उदय होकर भले मनुष्य को अलग, बुरे मनुष्य को अलग प्रकाश नहीं देता है, उसी तरह मेरी दृष्टि में यूदर तुम सब समान हो। यूदर, तुमको आज से अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। ये आग और पानी के मेल की बात है? ये तो बुरी बात है। यूदस विद्रोहियों के नेता बरब्बस का दोस्त है, फिर उसका यीशु से मिलना या बरब्बस के साथ होना दोनों एक ही समान है। बड़ा चतुर है वो यूदस। चतुर है वो, इसलिए हमारा रास्ता और आसान हो गया। यूदस पदवी का भूखा है, लेकिन यीशु से उसकी मन की मुराद पूरी होना संभव नहीं। यूदस की आशा निराशा का रूप लेगी, बराबस और यीशु से निराश होने पर एक न एक दिन हमारे पास आना ही पड़ेगा। उसे अकेले आएगा या हमारे खिलाफ विद्रोही बराबस के साथ मिलकर बगावत करेगा? कटार और करुणा का मेल नहीं होता कैफर, दूर की सोचो। तुम लोग जाओ, उसके बाद ही मैं वहां पर आऊंगा। प्रभु ने हुक्म दिया था हम लोगों को, इस तूफान और बरसात को देख हम लोग उस पार पहुंच सकेंगे, संदेह होता है।
हमने देखा एक बार ऐसे ही खतरनाक तूफान में फंसकर बहुत से लोगों की मौत हो गई। उन्हीं लोगों में से कोई भूत बनकर हमारे पास पहुंचने वाला है। विश्वास के बल पर ही जल पर चल सकते हो। विश्वास है तो आओ। प्रभु 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 विश्वास के बल से अब तक चल पर चलते रहे। विश्वास के कम होते ही तुम डूबने लगे। जवार, इसको व्यभिचार करते हुए हमने पकड़ा। सब पत्थर मारकर जान ले ऐसी पापिन की हमारे मूसा नबी के नियमों के अनुसार उचित है। आप अपना निर्णय बताइए। निर्णय करने वाले मेरे पिता ईश्वर हैं, निर्णय करने वाला मैं नहीं हूँ। इसीलिए मूसा नबी के नियमों के अनुसार इसको पत्थरों से हम मार डाले। पत्थरों से मार डालो। तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। पत्थर इसको वही मारे जिसने अपने जीवन में कोई पाप न किया हो। बाप रे बाप, तुम मेरे पाप को जमीन पर लिख रहे हैं।
किसी ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? नहीं तो मैं भी दंड नहीं दूंगा। आज से कभी पाप नहीं करना। प्रभु मुझे क्षमा करो, आज से कोई पाप मैं नहीं करूंगी। मैं आपके पवित्र चरणों को छूकर कहती हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें पवित्र किया। जरूर जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है वो कौन है और कैसी है। वो तो पापिन है। सिमोन, तुम मन में जो सोच रहे हो जानता हूं। कोई धनवान है, उसने 500 दिनार एक को परंतु 50 दिनार उधार में दिए दूसरे को। 500 कर्ज लिया उसको और 50 लिया उसको। दोनों को क्षमा कर दिया जाए तो दोनों में से धनवान को कौन अधिक प्यार करेगा? 500 दिनार उधार पाने वाला प्रभु, ईश की दृष्टि ने तो तुम और ये नारी दोनों एक हैं। तुमसे अधिक वो पापिन है ये तुम सोच रहे हो, लेकिन पाप की क्षमा मिलने पर इस अबला को अधिक आनंद हो रहा है। सिमोन गुरुवर, नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। तुम बिल्कुल निष्कलंक हो। तुम जो शांति पाना चाहती थी वो मिल गई। आज से तुम सर्वदा मेरे पिता परमेश्वर की ज्योति बनकर आजीवन प्रकाश दोगी। सब कुशल है ना? योहन बाबू, तुम हो क्या? अब इस तरफ तुमने आना ही छोड़ दिया, क्या किसी काम में लगे हुए हो? हाँ भाई मनाकी, मनुष्य के मछियारे यानी मसीह की सेवा में लगा हूँ। यहूं बाबू, तुम भी नाजरेत निवासी यीशु के शिष्य हो गए? हाँ मनाकी, तुम मसीह को यानी यीशु को जानते हो क्या? यीशु को जानता नहीं, परंतु उनके अद्भुत चमत्कारों को सुन चुका हूँ। एक कान से जोर जुल्म की बातें सुनता हूँ तो दूसरे कान से यीशु के मधुर उपदेश सुनता हूँ बाबू। इसलिए यीशु नाम के मसीह को ही नहीं, अगर ईश्वर है तुम कहोगे तो मुझको विश्वास ना होगा। मित्र मना कि यही कारण है तुम्हारा विश्वास उठ गया है। मेरी बात तुम नहीं मानोगे, चलकर यीशु की वाणी सुनो, तुमको विश्वास हो जाएगा। मुझे मामूली मछुआ समझते हो, इसलिए तुमको आश्चर्य होता है। मित्रवर, तुम्हें विश्वास है कि मैं ज्योति दे सकता हूँ? विश्वास करता हूँ गुरुवर। आज मैं उस सत्य को देखूंगा जो आज तक इन आंखों को न दिखा होगा। ये विश्वास ही तुम्हें नवज्योति देगा। जा, सिलवान कुंड के जल से आंखें धो लो।
आपको मैं देखता हूँ, आपको मैं देखता हूँ। अब इनको फेंक दो। वो प्रभु नहीं है बोलता था, लेकिन वो है, वो और कोई नहीं है, आप हैं करुणानिधि प्रभु, आप हैं, आप हैं। आज हो और कल भी हो, सर्वकालीन हो, सर्वव्यापी हो आप, सर्वव्यापी हो आप। प्रभु कानों से जो सुनता था इन आंखों से देख रहा हूँ, प्रभु इन आंखों से देख रहा हूँ। प्रभु जो लाल चला गया था पैदल ही इसी ओर, लोगों पर करुणा की वर्षा करता हुआ आ रहा है, जिसके लिए मैं तरस रही थी उसे आज मैं देखूंगी। भाग्यशाली है प्रभु को जन्म देने वाली माँ, जीवन धन्य है आपका। जीवन का धन्य होना पुत्र की सामर्थ्य शक्ति पर निर्भर होता है बहन। ये भी हो सकता है, लेकिन प्रभु ने सारे स्त्रियों को छोड़ आपको ये भाग्य दिया, आपके गर्भ से रक्षक का जन्म हुआ। पूरी स्त्री जाति आपको पाकर धन्य है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। माँ मेरे बेटे यीशु, आंखों के सामने ही रहो और माँ के मन को शांति दो। अपने हाथ से दीप जलाकर कोई उसको बर्तन के अंदर छुपाएगा बहन? थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस तरह तुम्हें शांति मिलेगी। हे, यहाँ ना आओ, वहाँ जाके बैठो। हाँ, प्रभु के पास जाने दो, हमें ना रखो, वहाँ जाके बैठो, जाओ। बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से न रोको, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आओ। स्वर्ग राज्य बच्चों के मन के समान है, जिन्हें ये ज्ञान नहीं उनका मेरे राज्य में कोई स्थान न होगा। प्रभु काफी देर हो गई है, सब लोग आपकी मधुरवाणी को सुनकर सुदबुद खो बैठे हैं। यहाँ बहुत दूर तक खाना मिलना बड़ा मुश्किल है, अगर लोग वापस नहीं गए तो खिलाना मुश्किल होगा। ये देखो खाने के लिए रोटी और मछली है। पांच रोटी दो मछलियों से 5,000 लोगों की भूख दूर होगी। मेरे पिता सर्वशक्तिमान है, इसी से सबकी भूख मिट जाएगी। प्रभु आपके सामर्थ्य से 5,000 आदमियों की भूख
दो मछली और पांच रोटियों से मिट गई और 12 टोकरे बच भी गए। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही यहूदियों के राजा हैं, ये मुकुट स्वीकार कीजिए। कि उस प्रेम पात्र मेरे भाई लाजर उसकी मृत्यु हो गई। मरियम से ये शोक सहन नहीं हो रहा है प्रभु। मर्था, मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग हूं। जिन्हें विश्वास है मुझ पर वो मरकर जीवित हो सकते हैं, ये विश्वास तुम्हें नहीं है? इतना ही विश्वास नहीं प्रभु, लोक रक्षक और मसीह आप ही हैं, ये विश्वास ही मुझको है प्रभु। चलिए, वही विश्वास लाजरस को नवजीवन देगा। आइए प्रभु। भूत उतारने वाले ओझा की तरह, अंधे और लंगड़े को अच्छा करने वाले नया जीवन देंगे मुर्दे को, ये विश्वास है मार्था और मरियम को। कौन जाने कितना करने वाला एक मुर्दे के अंदर जान फूंक दे। जिसको गुजरे हुए 4 दिन बीत चुके उस लाजरस को नवजीवन दे दिया, फिर उन्हें मसीह ही कहना उचित होगा। शिष्य, गुफा के मुंह पर पड़े पत्थर को हटा दो। से मुक्त हो तुमने इसीलिए भेजा मुझको, इस काम के द्वारा ये विश्वास इनके मन में भरो। लाजरस, निद्रा को त्याग कर बाहर आओ। लाजरस के बंधन खोल दो। प्रभु, आपके प्रेम ने नवजीवन दिया मुझे, आपकी सेवा करते हुए जीवन बिताऊंगा। गिरी हो तर
दर्शन पाकर पावन हो। बोलो बोलो जय बोलो ना, बोलो बोलो जय बोलो ना, चरणन में तुम खो जाना। दो खमोतर मिलते हैं, यहाँ 10 दिनार देने पड़ते हैं, बाहर से नहीं लाने देते। ऐसी बात क्यों बाबू? बोलिए ना। 1 दिनार से 2 खमोतर मिलते हैं, यहाँ 10 दिनार देने पड़ते हैं, बाहर से नहीं लाने देते। ऐसी बात क्यों बाबू? बोलिए ना। क्या बात है, क्यों कुत्ते की तरह भौं भौं भौंकते हो? बाप तो बाहर करते हो लेकिन यहाँ पे उतारते हो। ये जितना मांगता है उतना तुम्हें देना चाहिए। क्यों क्यों? अवश्य। क्यों जी? कृपा करके याजक ने मंदिर में व्यापार की जगह दी तुमको, लेकिन हमको भाड़ा वसूल करने को 10 बार आना चाहिए क्या? फौरन खाली करो। बापरे ये लीजिए बाबू। एक बात का संदेह है मुझको। बात का? ये भाड़ा और भक्त लोग जो हुंडी में डालते हैं वो ईश्वर घर जाता है या आप लोग? ज्यादा भक्ता है मूर्ख। क्यों रे, मंदिर में तुम लोग कबूतर बहुत महंगे बेचते हो फिर भी संदेह करते हो हम पे? बकवास ना करके तुम रोज की तरह 6 मोटे मोटे कबूतर मेरे पास फौरन भेज दो, खाकर याजक आशीर्वाद देंगे। अवश्य। और सुनो, 6 कबूतर हमारे वास्ते भी भेज दो। भेजना, बांट लेंगे हम। अवश्य अवश्य। क्यों बाबू, भेजने होंगे? भेजो भेज दो भेज दो भेजो। आओ कबूतर ले लो 10 दिनार में। Yeah.
अरे मेरे कबूतर मत छुड़ा, अरे मेरा गधा, मेरे कबूतर, इसे बाहर ले जाओ, ले जाओ। व्यापार करते मेरे पिता के घर को तुम लोग बाजार बनाना चाहते हो, जाओ। आग की वर्षा होने से पहले मेरे पिता के घर से निकल जाओ, जाओ। गुरुवर, जानते हैं इस मंदिर के अधिकारी और प्रधान याजक कैफस खुद है, इसीलिए वो अपने स्वार्थ के वास्ते मंदिर की प्रतिष्ठा भंग करवाता है। प्रतिष्ठा की बात छोड़ो, मंदिर पर पूरा अधिकार है उनको। पर इस मंदिर के नियमों को तोड़ने का क्या अधिकार है आपको? यह स्थान ईश्वर का है और ये सामर्थवान मसीह है, इनको अधिकार नहीं है तो फिर किसको है? सामर्थवान मसीह, अगर ये सच है तो इस बात का विश्वास हमको दिलाने के लिए कोई चमत्कार दिखाने को बोलो। ईश्वर का मंदिर तोड़ दो, तीन दिनों में मैं खड़ा कर दूंगा। अब तो जान गए ना, सिर्फ तीन दिनों में पूरे रोम साम्राज्य के बल को नष्ट करके खुद राजा बन जाएंगे। इस बात को आप लोग अवश्य याद रखिए, यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु, ये मुकुट स्वीकार कीजिए। यूदा, येशु का भरोसा करने से तुमको लाभ ना होगा। कैफस याजक तुमको देखने के लिए बहुत दिनों से व्याकुल है, मिलते क्यों नहीं हो? एक बार मिल तो लो। हाँ? जवाब दिए बिना वो चल दिए। क्या खाकर हमारी बात का जवाब देगा वो? यूदास, सदा से ही येशु बाधक है, हमारे रास्ते का रोड़ा है। अगर उन्हें बंदी न बनाया तो हमारी योजना सफल न होगी। तुम साथ दो या ना दो, लेकिन कैफस और अन्नस के हाथों येशु पकड़े जाएं, ऐसी कोई योजना बनाओ तो तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। यूदास, जिस मित्र को देखने के लिए व्याकुल था, आज वो खुद पहुंच गया, ये जानकर खुशी हुई। कौओं के साथ कुहकने वाली कोयल को आज हमारी डाल पर कुहकते हुए देखकर खुशी हुई। इतने छोटे से आदमी को इतना मान क्यों? आपका इरादा कहीं कोयल के पर काटने का तो नहीं है? वहाँ यूदास, अक्लमंदों को भी अक्ल देने वाले उस्ताद हो, ऐसे अक्लमंद की अक्ल से बाहर क्या बात होगी? यूदास, विद्रोहियों के नेता बरब्बस को तुम अच्छी तरह पहचानते हो। इस बात का महत्व हमारे लिए कुछ नहीं और आगे भी नहीं होगा। बिल्कुल यूदास, आज जो राजद्रोही है वो कल राजा भी हो सकता है, और आज जो राजा है वो कल राजद्रोही भी हो सकता है, लेकिन राज्य मिट सकता है, राजा की मौत हो सकती है। ईश्वर बदलने वाला नहीं, धर्म मिटने वाला नहीं। वाह वाह, आप मछली से तैरने की बात और यूदास से बुद्धि की बात करते हैं। यूदास, हमसे हाथ मिलाओ, उन मायावी येशु के माया जाल को खत्म कर देंगे हम, तब तो प्रजा भी हम लोगों को खत्म कर देगी। यूदास, सर से भूत उतारने वाले, वेश्या को शरण देने वाले, मरे हुए लोगों को जीवन देने वाले, वो येशु प्रभावशाली मसीह नहीं, ऐसा विचार है हम लोगों का। लेकिन पास्का पर्व के अवसर पर हमने नाजरी येशु को गिरफ्तार किया तो प्रजा में हंगामा मचना संभव, इसलिए उस पर्व के शेष होते ही रात को येशु कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, ये भेद बता दो तो काफी है। हाँ? उस बरब्बस के यहाँ जो इच्छा अधूरी रही और येशु के यहाँ जो पदवी हासिल नहीं हुई, हम देंगे तुमको। मुझे अब यहाँ से जाने दें तो कृपा होगी। युधर, जल्दी लौटना, बड़ी बेचैनी से राज देखेंगे हम दोनों। इस मैखाने में हमेशा नए लोगों की भीड़ जमा होती है, किंतु मुझ पर किसी को भी शक करने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन मुझे अपने गुप्तचरों पर शक होता है। पिलातुस के मंदिर का कोई रहस्य लाएंगे या नहीं, और फिर करेंगे,
रोम के प्रतिनिधि का वो अंत करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा शक होता है। मैदू, तुम मुझसे बोलो मैदू। मैंने क्या जो भी लाई हो दे दो बस। प्रेम भी लाई हूँ और शराब भी लाई हूँ, चीजें दो ही, क्या दूँ बोलो। प्रेम अपने पास रखो बस, शराब। आहा, बड़े चलाक हूँ मैं, नाम पूछ सकती हूँ क्या? मस्ताना। अच्छा ही हुआ मैं खाना नहीं हुआ। मैं चलती हूँ। बंदी बना लो। यूदस, बराबर मिखाइल और डिसमिस बंदी हो गए। तुम साथ दो या ना दो, लेकिन कैफस और अन्नस के हाथों येसु पकड़े जाएं, ऐसी कोई योजना बनाओ तो तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। उस पर्व के शेष होते ही रात को येसु कहां जाएंगे, कहां सोएंगे, ये भेद बता दो तो काफी है। हाँ? उस बरब्बस के यहाँ जो इच्छा अधूरी रही और येसु के यहाँ जो पदवी हासिल नहीं हुई। बराबस की प्राण तिथि की पर वो बंदी बना लिया गया। येसु के भरोसे जो मैंने सपनों का महल बनाया था, उन्हीं के कारण वो सपनों का आलीशान महल खंडहर हो गया। मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। अब बरब्बस की आशा पूरी करूंगा, येसु को कैफस के हाथों पकड़वाऊंगा, येसु को पकड़वाऊंगा, येसु को पकड़वाऊंगा। प्रभु येसु का शिष्य पहले पहल मैं हुआ। इस पर्व के दिन येसु प्रभु के दाईं ओर बैठने का मुझे अधिकार है, वहां मुझे बैठने दो। नहीं आंद्रेस, आज प्रभु से काम है मुझे, आज मुझे उनके विचारों को जानना है, ये बहुत ही जरूरी है। मैं उनके दाईं ओर बैठकर उनसे विचार विमर्श करना चाहता, तुम जाओ। यूदास, मैं येसु प्रभु को अधिक प्यारा हूं, आज तो उनके पास मैं ही बैठू। प्रभु ने तुम लोगों का नायक नियुक्त किया है मुझको, प्रभु के पास बैठने का तो मुझे है। पेत्रस, तुम्हारा कहना उचित नहीं, हम लोगों में से कोई भी किसी से कम नहीं। आज उनके पास उनके दाईं ओर बैठने के कौन ही योग्य है? इस पर लड़ने से तो अच्छा है जल्दी से सबके नाम की पर्ची डालो। जो भाग्यवान होगा वो बैठेगा दाईं ओर। ठीक है, चलो पर्ची डालो। ठीक है। पेत्रस, मेरे शरीर के कपड़ों को पर्ची डालकर बांटने वाले और होंगे, तुम पर ये चिंता क्यों आ पड़ी? बैठो। यदि मैं तुम्हारे पांव नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध न होगा पेत्रुस। ऐसा है तो मेरे पांव को ही नहीं, हाथ और सिर को भी धो डालिए प्रभु, धो डालिए प्रभु। जो स्नान कर चुका है उसको स्नान करवाने की जरूरत नहीं, पांव धोने की ही जरूरत है। यानी इसका अर्थ तो समझाइए प्रभु। तुम लोग शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध हो, किंतु सब लोग नहीं, क्योंकि बड़े और छोटे का भेदभाव मानते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पांव धोए हैं,
तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। इस बात को न भूल, स्वामी सेवक से बड़ा नहीं होता। ये बात समझ जाओगे तो तुम धन्य हो जाओगे। गुरुवर, ये भोज खत्म होने के बाद मामूली तौर से गेस्टमनी हम लोग जाएंगे ना? जल्दी मत करो योदास। शिष्य, इस बात का पर्व पर जैसे एक साथ भोजन किया, इसके बाद पिता के राज्य में हम लोग मिलकर भोजन करेंगे। प्रभु, यानी प्रवक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा करने का समय आ पहुंचा है, लेकिन मुझको पकड़वाने वाला तुम लोगों में से एक है। इस बात से दुखी हूं। प्रभु, कौन है हम में से आपको पकड़वाने वाला? कौन है? मैं क्या? मैं तो नहीं हूं गुरुवर। तुम नहीं जानते यूदर? प्रभु, डरो मत यूदर, जो करना चाहते हो निसंकोच करो। प्रभु, युधिष को कहां भेजा प्रभु? प्रवक्ताओं की भविष्यवाणी को सत्य साबित करने के लिए। यानी अपने आप को पकड़वाकर इस शरीर का खून न देने से मानव कल्याण न होगा। ये तो ठीक है, किंतु वो विश्वासघाती और अपराधी साबित होगा। जो होनी है उसका सत्य साबित होना जरूरी है, तो इस अनहोनी का होना भी जरूरी है। वाह योदस, अपनी गलती मानकर वापस आ गए। हम लोगों की इच्छा को पूरी करने के लिए राजी हो गए। हमको बहुत खुशी हुई। उस धर्मद्रोही को पकड़वाने का मूल्य बताओ। आप क्या मूल्य नहीं जानते कैफस याजक? धर्मद्रोह करके आपका अधिकार छीनने वाले धर्मद्रोही के शरीर का मूल्य सोच समझ कर दीजिएगा। इस रोटी को मेरा शरीर समझो। इसे तुम ग्रहण करके मुझको अपने आप में लीन कर लो। संकटों में साथ दिया तुमने, ईश्वर के पुत्र को तुम समझ गए। स्वर्ग राज्य मुझे दिया पिता ने, मैं प्रेम राज्य तुमको देता हूं। ले लो। ये लो योदस, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूं। पूरे 30 सिक्के हैं। सिर्फ 30? प्रधान याजक, यीशु की उम्र तो 33 वर्ष की हो चुकी। 30 तो लेन देन में बेजोड़ हो यूदस। यीशु 33 वर्ष के हो चुके हैं, अभी तुमने खुद ही कहा ना। लेकिन पूरे 30 वर्ष तक उनकी वजह से हमको कोई मुसीबत नहीं, ये सोचकर तुमको 30 देता हूँ। याद रखो यूदस, 30 सिक्कों में यहाँ गुलामों को खरीदते और बेचते भी हैं। 30 सिक्कों से भी अधिक यीशु की कीमत देकर हम लोग अपना अपमान क्यों करें यूदस? अधिक लालच तो बुरी बला है। आगे तुम जो करोगे बोलो। मैं एक नवीन आज्ञा तुम्हें देता हूं। जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी आपस में प्रेम करो। सदा अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। इतना ही नहीं, तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर प्रेम करो। मेरे पिता के राज्य का विस्तार करो। सच्चे शिष्य हो ये सिद्ध करो। आप सैनिकों को तैयार रखें, यीशु गेतसेमनी जाने ही वाले हैं। तुम लोगों से विदा होने का समय बहुत निकट आ पहुंचा है। वो नहीं होगा प्रभु, वो नहीं होगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा। तुम सब साथ ना सकोगे मत्ती। प्रभु, दूसरे की इच्छा तो मैं नहीं जानता हूं,
किंतु प्रभु में जरूर साथ आऊंगा और समय आने पर जान निछावर कर दूंगा। तुम ना कर सकोगे पेत्रुस। प्रभु सुनो, आज रात मुर्गे की बांध से पहले मुझे तुम 3 बार अस्वीकार करोगे पेत्रुस। प्रभु मैं आप ही ने तो कहा था कि मैं एक पत्थर के समान हूँ, प्रभु को नहीं जानता, ये बात कैसे कहूंगा? नहीं होगा प्रभु, नहीं होगा। जो कुछ मैंने कहा वो टलेगा नहीं पेत्रुस। रात को तुम 3 बार अस्वीकार करोगे तभी मुर्गा बांध देगा। प्रभु यानी प्रभु क्या हम भी ऐसा करेंगे? ये बात आप सोचते। चरवाहे की मौत हो जाए तो भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं, तुम भी वैसे। प्रभु हम सब आपके साथ आएंगे प्रभु। अभी नहीं योहन, जहां मुझे पकड़वाया जाएगा वहां पर तुम लोगों के लिए अपने पिता से प्रार्थना करने के बाद ही कर्तव्य पूरा होगा। योहन, तुम तीनों मेरे साथ चलोगे। मत्ती, बाकी लोगों को यहीं रहना होगा। मैं तुम लोगों को शांति देता हूँ, निसंकोच निर्विघ्न प्रार्थना करो। ठीक है प्रभु। तुम लोग यहीं रहो और जागते हुए प्रार्थना करो। चाहो तो मेरे मुंह के पास से ये प्याला हटा लो, तो भी मेरी नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। पेत्रुस, पेत्रुस, थोड़ी देर भी मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करना सके। क्षमा करे प्रभु, शैतान की तरह नींद भी हमको सता रही है। अब हम लोग बिल्कुल न सोएंगे, हम लोग प्रार्थना जागते हुए करेंगे। समय इतने लोगों में से यीशु कौन है कैसे मालूम होगा? तुम लोग गौर से देखना, मैं जिस व्यक्ति को चूमूंगा वही यीशु होंगे। पिता, आज तक जो भी होता रहा है सब तुम्हारी इच्छा से। ये प्याला अगर तुम्हारी इच्छा है कि पीऊं तो पीने के लिए तैयार हूं, जग कल्याण के लिए पीऊंगा इसे। इच्छा तुम्हारी पूरी हो। योहन, पेत्रुस, प्रभु, गुरुवर आपका अभिवादन करता हूं। अभिवादन के लिए नहीं, तुमने मुझको पकड़वाने के लिए चुमा है यूदास। धोखेबाज गुरु को बंदी करता है। पेत्रुस, उतावले ना हो, मेरी रक्षा के लिए तलवार चाहिए पेत्रुस। मैं चाहूं तो सेना से भी शक्तिशाली स्वर्गदूतों से मेरी रक्षा ना होगी। अगर ऐसे ही पिता की इच्छा पूरी होने वाली है तो ऐसा होना आवश्यक है।
किसे चाहते हो? नाजरत के यीशु। वो यीशु मैं हूँ, मुझको बंदी कर। मिखाइल, सुन लिया? बहुत समझाने की मैंने कोशिश की उन्हें, पर हमारी क्रांति को रोककर, बातों से सबको बहकाकर, सारे यहूदियों के राजा होने का सपना देखने वाले यीशु मेरी तरह कैद कर लिए गए। यीशु कैदी हो गए? हाँ। की तरह क्या देखते हो? नहीं तो मैं हाँ सच कहो, तुम यीशु के चेले हो ना? तुम भूल करते हो, नहीं जानता वो कौन है। अब तो यीशु को मृत्यु दंड मिलेगा। पर उन्होंने ऐसा अपराध क्या किया? ये बात कैफे जी ने सुन ली तो पहले तुम्हारी मौत होगी। इससे क्या मतलब है लोगों को? इसका फैसला जो होने वाला है वो तंत्र हो रहा है। ठीक कहा है? क्यों जी, सदा यीशु के साथ रहने वाले चेलों में से तुम एक नहीं हो? नहीं हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनको। बाप रे, तुम कौन हो? कमजोर होता तो छुट्टी हो जाती। क्षमा करें। तुम हो, तुमको कहीं देखा है, घर सेमनी में यीशु के साथ थे ना? यीशु को तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। वो टलेगा नहीं पेत्रुस। रात को तुम 3 बार अस्वीकार करोगे तभी मुर्गा बांध देगा। क्षमा करो गुरुवार, क्षमा करो। सारी बातें सच निकली। आपको मैं नहीं जानता, ये 3 बार बोल चुका हूँ। क्षमा करो गुरुवार, क्षमा करो। क्षमा करो गुरुवार, क्षमा करो। उन्हें मृत्युदंड देने से ही कोई लाभ न होगा। इस दंड के अमल न होने तक हमारा सोना मुश्किल है। प्रधान याजक होकर आप समझते हैं कि मृत्युदंड से भी वो बच सकते हैं? नहीं जहू, दंड दिलवाने का काम हमारा है और अमल करवाने का हक तो है रोज महाराज को। लेकिन पता नहीं क्यों इसकी भी जिम्मेदारी राज प्रतिनिधि पिलातुस को दे चुके हैं। कोई बात नहीं, दौलत हम लोगों के हाथ है तो समझो न्याय भी हम लोगों के साथ है। तुम लोग मेरे ईश्वर के ईमानदार प्रतिनिधि हो, हमारे राजदार हो, हमारे फैसले की बुनियाद हो। मंदिर की पूरी दौलत स्वार्थी मनुष्यों में बांटकर उन्हें पिलातुस के सामने भेज दो और हमारे फैसले का समर्थन कराओ। उस पिलातुस के सामने अपनी आवाज बुलंद करो। प्रजा की पुकार ईश्वर की पुकार है। हमारा फैसला झूठ नहीं है, ये पिलातुस खुद बोल दे। अपने लोगों को भीतर पहुंचाने की बात को ही न सोचो, यीशु के लोगों को बाहर रोकने का भी सोचो। ये हम पे छोड़ दीजिए। मेरे सामने खड़े हुए अपराधी यीशु की परीक्षा करके क्षमा करके छोड़ने वाले या कसूरवार को दंड देने वाले हमारे हेरोद महाराज हैं। लेकिन उन्होंने जब से यूहन्ना बपतिस्ता का सिर काटने की आज्ञा दी तब से अपराधियों को दंड देना छोड़ दिया। इस अपराधी यीशु के मामले की जांच मुझे करने का हुक्म दिया है उन्होंने। यीशु की कार्रवाइयों को सुन चुका हूं। इतना ही नहीं, प्रधान महायाजक कैफस के दिए हुए दंड को भी सुन चुका हूं। लेकिन फैसला सुनाने से पहले
यीशु के अपराधों का ब्यौरा मैं स्वयं जानना चाहूंगा। इसका पूरा हाल सुनाने के लिए मैं कैफस से अनुरोध करता हूं। योग्य पिलातुस को इस प्रधान याजक का अभिवादन स्वीकार हो। यीशु धर्मद्रोही है। समस्त भूमंडल भूतल जल थल के सृष्टिकर्ता, सूर्य चंद्र को प्रकाशित करने वाले, मिट्टी से मनुष्य का निर्माण करने वाले, आदि मध्य और अंत रहित, लय और प्रलय की शक्ति रखने वाले ईश्वर का अपने आप को पुत्र कहते हैं, धर्मशास्त्र का विरोध करने वाले, भूत प्रेत को सिद्ध करके माया और मंत्र की शक्ति से भोली प्रजा को बहकाने वाले, धर्म का सर्वनाश करने वाले ईश्वर तो ही यीशु है। आप सबूत पेश कर सकते हैं? क्यों नहीं, हजारों सबूत हैं। जहू राज्य प्रतिनिधि पिलातुस की सेवा में एक सबूत पेश करो। राज्य प्रतिनिधि को प्रणाम। ये धर्मद्रोही है। मूसा नबी का धर्म बहुत पुराना है। उसको नष्ट कर किसी नए धर्म की बात कहकर प्रजा को भड़काने वाले ये यीशु हैं। यानी अगर पिता के हाथों लगाए पेड़ों से फल हासिल न हो तो क्या उनको काटने वाला कुपुत्र ही होता है? वो लायक और सुपुत्र भी तो हो सकता है ना? ये आपके विचार होंगे, लेकिन क्या परमेश्वर के महान मंदिर को तोड़ 3 दिनों में ही उसे बना दूंगा ये बोलने का साहस करने वाले द्रोही को सर्वशक्तिमान उस परम पूज्य परमेश्वर के प्रतिनिधि हम लोग या सच्चे हृदय से ईश्वर को मानने वाले ये सब लोग लायक नहीं स्वीकार करेंगे, ना ही ईश्वर की क्रोध ज्वाला में जलकर राख होंगे। सारी बातों को किसी और ढंग से भी तो सोच सकते हैं ना? इन सारी बातों को हम लोग भी तो किसी और ढंग से सोच सकते हैं ना राज प्रतिनिधि? रोम राज्य प्रतिनिधि, ये हमारी धर्म समस्या है। हमारी भावनाओं का आदर करेंगे इसकी हमें आशा है। महायाजक अन्नस, हम रोम के निवासी यहूदियों पर शासन भी करते हैं। हमारे विधान के अनुसार प्रजा के सभी धर्मों को गौरव देना हम अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। यदि इन्होंने कसूर किया है, धर्म के नियमों को तोड़ धर्म द्रोह किया है, तो अपने धर्म से बाहर निकालने का हक आपको है, पर एक निरपराधी को मृत्युदंड देने का हक मुझको नहीं। आपसे भूल हो गई राज प्रतिनिधि, अपराधी सिर्फ धर्मद्रोही नहीं राजद्रोही भी तो हैं। सर्वशक्तिमान रोम साम्राज्य को नष्ट करने के वास्ते प्रजा को खूब भड़काते हैं, विद्रोह फैलाते हैं, जनता को क्रांति का पाठ बढ़ाने वाले वो सचमुच राजद्रोही हैं। सबूत जफ्ता, ये सच है। ये सब लोगों से कहते हैं कैसर हमारा राजा नहीं, खुद को राजा कहकर कर देने के लिए मना करके लोगों को भड़काते हैं। ये कानों से सुन चुका हूं। हर पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति को राजद्रोही न कहो, फूल फेंकने वाले हर व्यक्ति को राजभक्त न कहो। लेकिन यहूदियों का राजा खुद को कहकर राज स्थापित करने वाले निस्संदेह राजभक्त नहीं किंतु राजद्रोही अवश्य हैं। उज्जवर, तुम पे जो दोष मढ़े गए वो सब सच हैं। तुम्हें यहूदियों का राजा माने, क्या राज स्थापना करने का विचार है? मेरा राज्य और है, राज्य की स्थापना और है। कौन सा राज्य है वो? नीति, न्याय और समान भाव, जहां हो वैसा ही राज्य मैं चाहता हूं। कौन स्थापक होगा? मुझे प्रेम करने वाले। ऐसा यहूदियों के रखवाले मसीह हो, ख्रिस्त तुम ही हो क्या? मैं कहूं तो विश्वास न होगा, लेकिन भविष्य में मानव पुत्र को सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर की दाई ओर बैठे हुए आप सब लोग देखेंगे। यानी तुम ईश्वर के पुत्र हो क्या? आपने कह दिया। समझ गए ना राज प्रतिनिधि, हमारी बात पर विश्वास ना हुआ, उन्होंने जो कहा उस पर विश्वास हो गया ना। ये धर्मद्रोही, राजद्रोही, प्रजाद्रोही हैं, खुद बोलते हैं। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? हम नहीं मानेंगे, वो राजद्रोही है, धर्मद्रोही है, प्रजाद्रोही है, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। पूज्यवर, शोरगुल तुमने सुन लिया ना? बोलो, वो तुम पे जो अभियोग लगाते हैं सब गलत हैं, ये लोग झूठा दोष लगा रहे हैं, ये सब झूठ कहते हैं, बोलो। पूज्यवर, तुम्हारी खामोशी से मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूं। तुम बोलोगे नहीं तो मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता करूंगा, बोलो।
मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं या ऐसे खामोश होकर तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? जांच पड़ताल करने के बाद यीशु मुझको तो बिल्कुल निर्दोष मालूम होता है, मुझको ही नहीं हेरोद राजा को शायद यीशु में कोई दोष नहीं मिला, इसीलिए मेरे पास फैसले के वास्ते भेज। ठीक है, यीशु की बात से परेशान हो आप लोग इसको अपराधी सिद्ध करने पे तुले हुए हैं, मैं आपकी खुशी के लिए इसको कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं। बीस पर एक, बीस पर दो, बीस पर तीन, बीस पर चार, बीस पर पांच, बीस पर छह, बीस पर सात, बीस पर आठ, बीस पर नौ, तीस, मारो इकतीस, मारो बत्तीस, मारो तैतीस, मारो चौंतीस, मारो पैंतीस, मारो छत्तीस, मारो सैंतीस, मारो अड़तीस, मारो उनतालीस, फेरो। दारुण हिंसा कांड को देख अब तो आप लोगों का मन ठंडा हो गया होगा। नहीं नहीं, जब क्रूस पर चढ़ेगा तब हमारे मन की आग बुझेगी। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। ठीक है, तुम लोगों की बात मान, मृत्यु दंड मैंने दे दिया, लेकिन इस पास का पर्व पर कोई एक मृत्यु दंड रद्द करने का पूरा हक मुझको है, ये तुम लोग जानते हो, इसलिए आज उसी हक का प्रयोग कर यीशु को क्षमा प्रदान कर मुक्त करता हूं। वो नहीं होगा, आप चाहते हैं तो अधिकार प्रयोग कर बरब्बस को मुक्त कीजिए। अवश्य, बरब्बस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो। बरब्बस विद्रोहियों का नेता खूनी और राजद्रोही, उसे छोड़कर प्रजा के दिलों के राजा यीशु को क्रूस पर चढ़ा दूं क्या? प्रजा के दिलों के राजा नहीं है वो, कैसर को ही हम राजा मानते हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाइए, बरब्बस को छोड़ दीजिए। प्रजा की बात न मानकर राजद्रोही यीशु को छोड़ दिया तो ये शिकायत लेकर कैसर के पास पहुंचेंगे हम लोग। प्रजा की बात को मानकर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे। इस पाप से मैं अपने बाल बच्चों सहित मुक्त होता हूं। वो पाप हम पर हमारे बच्चों पर चलने दो, यीशु को क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो। रोम के चक्रवर्ती राजा के प्रतिनिधि के रूप में यहूदी राष्ट्र पर शासन करने वाला पिलातुस, मैं आज सर्वसम्मति से नाजरेत निवासी इस यीशु को यहूदी धर्म मंडली के फैसले पर अमल करने के वास्ते अभी क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा जारी करता।
तीनों में से सिर्फ मुझको ही मुक्ति क्यों दे रहे हो? आज पास का पर्व है, प्रजा की मांग पर येसु को मृत्युदंड मिलेगा। क्यों? मुझको मुक्ति और येसु को मृत्युदंड, ये प्रजा की मांग है? अवसर पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए जान भी दूंगा, तुम्हारा साथ कभी ना दूंगा बराबर। वो ना होगा, वो ना होगा। येसु को मृत्युदंड और मुझे छोड़ देंगे, ये कभी ना होगा। मुझको मारो और येसु को छोड़ दो, ये तो इसमें से भी ना होगा। मिखाइल, इसमें मुझको क्षमा करो, येसु को बचाऊंगा, फिर तुम लोगों से मिलूंगा। प्रभु, प्रभु, प्रभु! करुणा के क्षमा भरे जल जल के दयानिधे, जल जल के दयानिधे जीवन की ज्योति बने, करुणा के चरण चले। प्रभु, प्रभु, जन के पापों का भार प्रभु जी कांधों पर ले चले, जन के पापों का भार प्रभु जी कांधों पर ले चले। ममता से भरे माता के नयन, ममता से भरे माता के नयन, बेटे के लिए रोने लगे, रोने लगे। भूखों के लिए प्रभु येसु ने जो बाटी रोटियां पत्थर बन गई, पापों से क्षमा पाने वाले, पापों से क्षमा पाने वाले तड़प तड़प के रोने लगे, रोने लगे। मेरे लिए न रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। बन गए ममता, सेवा और प्यार बन के यहां खून बरस पड़े, बरस पड़े।
जीवन मिले, उन पर कोटों की मार पड़े। अत्याचार को सहने वाली अबला के प्राण कांप उठे, कांप उठे। करुणा के चरण चले, नैनों में क्षमा भरे, जल जल के दयानिधे, जल जल के दयानिधे, जीवन की ज्योति बने, करुणा के चरण चले। बीज को बोने वाले हिंसा के शिकार बने, प्रेम बीज को बोने वाले हिंसा के शिकार बने। भय के मारे भोले प्राणी फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे।
यहूदियों के राजा हैं। राजा हैं। अब तो जान जाएगी। जाएगी। यहूदियों के राजा हैं। राजा हैं। अब तो जान जाएगी। जाएगी। यहूदियों के राजा हैं। राजा हैं। अब तो जान जाएगी। जाएगी। यहूदियों के राजा हैं। रस्सियां खोल लो। क्या बात है ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के मंदिर को सिर्फ 3 दिनों के अंदर बनाने वाले, ईश्वर का मंदिर तो ना बना सके किंतु क्रूस से उतर कर आओ, ईश्वर पुत्र हो ये साबित करो। बेटा, तुम अपने कार्यों को खुद नहीं जानते, तुम उन्हें क्षमा करना। आप यहूदियों के रक्षक नहीं है ये कहकर लोग खिल्ली उड़ाते हैं। आप सच्चे मसीह हैं तो अपनी रक्षा करके हम सब लोगों की भी रक्षा कीजिए, खामोश किस लिए हैं? मिखाइल, हम अपने स्वार्थ के वास्ते कितने प्राणों की बलि चढ़ा चुके हैं, हम न्याय की दृष्टि में दंड के भागी हैं, लेकिन सदा दूसरों की भलाई के वास्ते सर्वस्व त्याग करने वाले इन करुणानिधि को ऐसा दंड देना तो पशुता है। ममता मूर्ति, अपने राज्य में मुझको जगह दोगे ना? मित्र, आज तो स्वर्ग में मेरे साथ प्रवेश करोगे। माँ, माँ, आपसे ये आपका पुत्र है। सहोदर, ये तुम्हारी माँ है। ये कुर्ता मेरा है, मेरा। प्यास। ईश्वर पुत्र को प्यास लगी हुई है। दे दो। सौंप रहा हूं।
ये तो ईश्वर पुत्र है। सुनो, अंधेरा होने वाला है, पास जाकर देखें वो मरे या नहीं। मर गए। किंतु मुझको शरीर के घाव को अपनी आंखों से देखकर ही यकीन होगा कि वो जी उठे। तुमको शांति मिले थॉमस, यहां देखकर संदेह दूर कर लो। प्रभु, प्रभु। थॉमस, देखकर विश्वास करने वालों से बिना देखे विश्वास करने वाले धन्य हैं। संदेह को हृदय से निकाल दो। मैं प्रेत नहीं हूं, मैं हूं। आओ। हम सब पापी हैं, आपको न समझ सके।
क्षमा करो प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु। पेत्रुस पेत्रुस फिक्र मत करो, तुम पत्थर के समान हो, मेरे पिता के घर की बुनियाद हो। बाकी लोग पिता के घर की पुनीत दीवारें हैं, साक्षी देना तुम्हारा कर्तव्य है। शिष्यों, मानव को मानव समझ के प्रेम करो, यही इच्छा है मेरे पिता की। मेरे पिता ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी, पर मैं तुमको सौंपता हूं। तुम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाकर पिता के राज्य का विस्तार करो। समाप्त होने तक मैं तुम लोगों का साथ अवश्य दूंगा।